हेलो दोस्तों, मैं दिलीप बोल रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डीके इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ये जो देख रहे हैं ये सैमसंग का 20 इंच का एलईडी टीवी है और इसमें ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, देख रहे हैं जंपिंग हो रहा है और ऐसा ऊपर में काला पट्टी भी दिखाई दे रहा है। तो इसको ओपन करके मैं देखता हूँ इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर। और इसका मॉडल नंबर दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं सैमसंग मॉडल है एलईडी टीवी SKN20HH-7FT। और इसको मैं ओपन करता हूँ और आप लोग को देख रहा हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इस टीवी को मैं ओपन कर दिया हूँ और देख रहे हैं इसका ए स्क्लर पीसीबी है, इसमें देख रहे हैं यहाँ पर ये जो स्क्लर पीसीबी है, ये स्क्लर पीसीबी का सभी सप्लाई सही है, फिर भी इसमें जंपिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको सही करने के लिए ये जो देख रहे हैं इसमें CKV का ट्रैक दिखाई दे रहा है, ये टेस्ट पॉइंट भी दिखा रहा है। तो इसका CKV का ट्रैक को काट करके देखना होगा। यहाँ पर लिखा है CK1A1, CK2A1, CK3A1, CK4A1, CK5A1, CK6A1। यहाँ पर हम लोग का CKV का ट्रैक है, इसमें टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है जो हम लोग का इस साइड का साइड में आ रहा है CKV का सभी ट्रैक। और इस साइड में आप लोग देख रहे हैं इसमें भी आप लोग का CKV का टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, CK1B1, CK2B1, CK3B1, CK4B1, CK5B1 और CK6B1। ये सभी ट्रैक, ये जो इस साइड है इस साइड में आ रहा है सभी देख रहे हैं। तो ये जो इसमें जंपिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें मैं CKV का ट्रैक को काट करके देख लेता हूँ। तो पहले मैं इस टीवी का राइट साइड का CKV ट्रैक को काट करके देख लेता हूँ और देखता हूँ इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इस साइड में जो CKV का ट्रैक है, CKB1 ये जो ट्रैक है इस साइड में यहाँ पर लिखा है, देख CK1B1, सिर्फ एक ट्रैक को मैं काट कर दिया हूँ। देख रहे हैं सिर्फ एक ट्रैक को यहाँ पर काट कर दिया हूँ और इसमें और कोई ट्रैक को काट नहीं किया। इस साइड में मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, इस साइड में देख रहे हैं जो ट्रैक है इस साइड में कोई ट्रैक को काट नहीं किया हूँ, सिर्फ राइट साइड का एक ट्रैक को काट के दूंगा। यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ एक ट्रैक को काट किया हूँ और कौन सा ट्रैक काट करना है ये मैं, मेरा जो ट्रेनिंग का ग्रुप है ऑनलाइन ट्रेनिंग का ग्रुप है, इसमें मैं डिटेल्स में सिखाता हूँ। सिर्फ एक टैग को काट देते हैं और काट करने के बाद में इस टीवी में कैसा आ रहा है मैं देखा रहा हूँ। तो इस टीवी में मैं लाइन देता हूँ और देखता हूँ इसमें ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो रहा है कि नहीं। मैं इसका स्टैंड बाय बटन दबाता हूँ। स्टैंड बाय रिलीज हो गया, देख रहे हैं अभी पिक्चर शो ही आ रहा है।
पिक्चर शो ही चल रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख लिए, मैं सिर्फ सी के वी का एक ट्रैक को काट किया हूँ और काट करके इस टीवी को शो ही किया हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो ये जो मेरा चैनल डीके इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू दोस्तों।